हेलो एवरीवन, आज हम लोग को सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक पे बात करना है। लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, और कल से हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट के बाद, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में कि आयनिक सॉलिड के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होता है, किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, और उसके सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफेक्ट्स देखो, सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स होता है, डिफेक्ट्स आर अराइजेस ड्यू टू, डिफेक्ट्स आर अराइजेस ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द लैटिस। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स आता है वो डिफेक्ट्स क्यों अराइजेस होता है। फर्स्ट पॉइंट इज मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द लैटिस, एंड सेकंड पॉइंट डिसलोकेशन ऑफ आयंस इन द लैटिस। सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफेक्ट्स का कारण क्या है। कारण ये है कि जो डिफेक्ट्स होगा ना, वो हो सकता है कि मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द लैटिस, जो भी आयंस, जो भी एटम्स, जो भी एनायंस प्रेजेंट होते हैं वो लैटिस के अंदर मिसिंग हो जाए, यानी कि कहीं चले जाएं इधर उधर। लैटिस में बहुत सारे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल पे हम लोग बात किए हैं, और एक जैसा एक यूनिट सेल होता है उसके जैसा बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं और मिलके एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्म करता है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रो और जो भी हमारे पास आयंस हैं, है ना, जैसे केटायंस हो गया, एनायंस हो गया, वो मिसिंग हो जाए या चले जाए, अपने लैटिस को छोड़ के चले जाए। क्योंकि होता है कि ऐसा सॉलिड के अंदर हो सकता है कि जो भी एटम्स हैं, जो भी आयंस हैं, वो लैटिस को छोड़ सकते हैं, अपने जो एक्चुअल पोजिशन हो सकता है उसको वो छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिसलोकेशन ऑफ आयंस इन द लैटिस। या हो सकता है कि वो जो आयंस प्रेजेंट हैं सॉलिड के अंदर उसका डिसलोकेशन हो जाए, यानी कि वो अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ के कहीं दूसरे पोजीशन पे जाके बैठ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या समझें कि सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स होता है वो डिफेक्ट्स होने का दो कारण है, या आयंस मिसिंग हो जाए या डिसलोकेशन ऑफ आयंस इन द लैटिस। अब इसके आधार पर डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, बेसिकली हम लोग को दो टाइप्स के डिफेक्ट्स इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं। जो पहला टाइप्स का डिफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला टाइप का डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो, स्टोइकोमेट्रिक बेसिकली नंबर होता है, हम आपको मूल कॉन्सेप्ट में भी बताए होंगे कि जैसे NaCl होता है ना, NaCl, तो NaCl के पीछे कुछ नहीं है तो कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये जो 1 होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक नंबर। तो जो पहला टाइप का डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के अंदर, in this type of defect, simplest formula of compound, remain same, या unchanged बोल रहे हैं, unchanged, है ना। जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होगा हमारे पास, उसका जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, उसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा वो चेंज नहीं होगा। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सेम रहेगा जैसा पहले फार्मूला था। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl के अंदर एक सोडियम प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यही फार्मूला होने वाला। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ अलग टाइप का हो जाएगा कि एक क्लोरीन गायब हो गया, एक सोडियम कम हो गया। जो फार्मूला है, जैसे AB टाइप का फार्मूला, तो ये AB टाइप का फार्मूला सेम रहने वाला है।
कोई चेंज नहीं होगा। और इसमें सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, साइज ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, रेशियो, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर सेम। सेकेंड पॉइंट क्या बोल दिया हम लोग इसमें, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर सेम, यानी कि जैसे हम लोग अभी आपको बताएं कि NaCl कोई अपने पास आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर केटायन कितने परसेंट है, 1, एनायन कितने परसेंट है, 1, तो इस दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:1, इस दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो जो भी एस्टियोकोमेट्रिक टाइप के डिफेक्ट्स होंगे, इस डिफेक्ट्स के अंदर आपको सिंपलेस्ट फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का होगा वो अनचेंज्ड मिलेगा, यानी कि रिमेन सेम, जैसा था सॉलिड का फार्मूला वैसा ही फार्मूला होगा। जैसे ए बी टाइप का फार्मूला है तो ए बी टाइप का फार्मूला होगा, ए बी टू टाइप का फार्मूला है तो ए बी टू टाइप का फार्मूला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसमें जो रेशियो होंगे केटायन और एनायन का वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 1:1। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल बताया, और भी हो सकता है, जैसे मान लो ZnS टाइप का हो गया फार्मूला, ZnS, तो जेड जिंक कितने होते हैं, 1, और सल्फर कितना होता है, 1, तो उसका भी फार्मूला क्या होने वाला, सेम ही होने वाला। यानी कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि फार्मूला का जो भी अपने पास आयनिक कंपाउंड होंगे उसका फार्मूला सेम होने वाला है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आइए सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड जो इसमें अपने लोगों को पढ़ना है, सेकेंड जो अपने लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट है ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला चेंज, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नाम ही इसका नॉन स्टोइकोमेट्रिक, यानी कि जो भी फार्मूला होंगे ना वो फार्मूला क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे मतलब ये कि रेशियो, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि क्या मतलब हुआ, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर नॉट फिक्स, जो भी रेशियो होगा केटायन का और एनायन का वो फिक्स्ड नहीं होगा। तो बेसिकली डिफेक्ट्स क्यों आता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, हो सकता है कि आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स आप जो भी होते हैं, जो भी केटायन एनायन होते हैं, वो मिसिंग हो जाए लैटिस से, या क्या हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए। इसके आधार पे दो तरह से बांटा गया है डिफेक्ट्स को, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें सिंपलेस्ट फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता, जो रेशियो ऑफ केटायन का होगा और एनायन का होगा वो सेम होगा। सेकेंड टाइप का डिफेक्ट क्या बोले हम लोग, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका सिंपलेस्ट फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, और सिंपलेस्ट फार्मूला चेंज होने के कारण जो रेशियो और जो रेशियो होगा केटायन और एनायन का वो भी क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होगा। इसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, हम लोग धीरे धीरे सब पे बात करते हैं, आप लोग इसको उतारते रहें और हेडिंग लगाएं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, इसके अंदर हम लोग दो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर दो क्लासिफाई किया गया है, इसके अंदर हम लोग दो डिफेक्ट और पढ़ेंगे। जो पहला डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर जनरली फाउंड इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो,
पहला पॉइंट क्या है कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स होता है ये किसके अंदर पाए जाएंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर जनरली फाउंड इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड के अंदर पाए जाएंगे। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि लेस डिफरेंस बिटवीन इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ये बेसिकली किसके अंदर पाए जाएंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, फॉर एग्जांपल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो। और सेकंड पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर कि लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं NaCl हो गया, NaCl में जो केटायन और एनायंस होते हैं इसके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल AgBr हो गया, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल्स लिख सकते हैं KCl वगैरह हो गया, KCl हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए NaCl, AgBr और KCl जो होते हैं इसके, ये बेसिकली किस डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट्स होता क्या है, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग, मिटा दें। अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम The lattice. Short की defect क्या होता है? In this type of defect, equal number of cation and anion are missing from the lattice. यानी कि जो भी cations और anion होंगे वो lattice से गायब हो जाएंगे, missing हो जाएंगे उसका। अच्छा, यानी कि equal number, यानी कि अगर एक sodium lattice को छोड़ रहा है तो एक क्लोरीन भी लैटिस को छोड़ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से इसको ऐसे थोड़ा समझना फिगर से, एक हम फिगर बना के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम, ठीक है। कितने सोडियम आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। कितने क्लोरीन आ गए, 1, 2, 3, 4। फोर क्लोरीन आ गया ना, एक और एक्स्ट्रा मान लो होगा कहीं। लैटिस एक बना दिए हमने, फॉर्म एक लैटिस फॉर्म कर दी, इसमें अलग अलग पोजीशन पे हम आपको बता चुके हैं कि NaCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। NaCl का स्ट्रक्चर बताया तो हम उसमें उसके आधार पर एक लैटिस बना। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या होता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग होंगे, यानी कि अगर यहाँ से एक केटायन जाएगा, अगर यहाँ से एक केटायन लैटिस को छोड़ रहा है तो एक एनायन भी लैटिस को छोड़ रहा है, एक केटायन अगर लैटिस को छोड़ रहा है तो एक एनायन भी लैटिस को क्या कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे इक्वल नंबर में, केटायन एनायन का मिसिंग होगा इक्वल नंबर में। इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ठीक है। अब ये डिफेक्ट्स के अंदर में होता क्या है कि अगर देखो एक केटायन गया या एक एनायन गया तो बेसिकली जो भी लैटिस था हमारा NaCl का, जो भी हमारे पास NaCl का लैटिस था, इस लैटिस का डेंसिटी कम हो गया, इस लैटिस का क्या कम हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी रो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे ध्यान में करना, जेड इंटू मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl इंटू ए क्यू और इंटू में क्या था Na, ये तो था डेंसिटी। अब एक केटायन मिस हो रहा है, एक एनायन मिस हो रहा है, तो एक केटायन और एक एनायन का जो मास था, है ना, सोडियम और क्लोरीन का जो मास था वो कम हो गया। तो मास अगर कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। तो अगर सोडियम क्लोराइड का
सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, अगर इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो रहे हैं तो बेसिकली मास कम हो रहा है, और वो मास जो कम हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, डेंसिटी भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेंसिटी जो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट्स का वो कम हो जाता है। जिस सॉलिड के अंदर अगर शॉर्ट की डिफेक्ट्स आएंगे उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसमें, सेकेंड पॉइंट ध्यान समझना। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इस टाइप के जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट्स हो रहा है उस टाइप के कंपाउंड के अंदर वो जो कंपाउंड होता ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा, कैसे न्यूट्रल होगा, क्योंकि इक्वल नंबर में निकल रहे हैं, जो भी सोडियम और क्लोरीन है वो इक्वल नंबर में लैटिस को छोड़ रहा है, तो जो डेंसिटी तो कम हो गया और साथ में क्या हुआ कि जो कंपाउंड थे ना वो न्यूट्रल रहेंगे, मतलब एज इट इज। जैसे सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग खाते हैं वो नमक न्यूट्रल होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। वो न्यूट्रल क्यों होते हैं कि अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स भी प्रजेंट होगा ना, उस सॉलिड उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर कोई डिफेक्ट्स भी प्रजेंट होगा तो कैसा टाइप का डिफेक्ट्स प्रजेंट होगा, शॉर्ट की टाइप का डिफेक्ट्स प्रजेंट होगा। और शॉर्ट की टाइप्स के डिफेक्ट्स में क्या होते हैं कि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस होते हैं, लैटिस को छोड़ देते हैं अपने लैटिस को, तो लैटिस को छोड़ देगा इक्वल नंबर में, तो बेसिकली चार्ज का तो कोई ऐसा नहीं हुआ। अगर मान लो केवल केवल मान लो क्लोरीन छोड़ता, केवल अगर क्लोरीन अपने लैटिस को छोड़ देता तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता, या सोडियम अपने लैटिस को छोड़ता तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों अपने लैटिस को इक्वली नंबर में छोड़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स वाले होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कैसा होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या वो होते हैं। अगर आप एग्जाम में पूछ देना तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाले में प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाले में प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो साइज होता है कैटायन एनायन का उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दो पॉइंट समझे। उसके बाद शॉर्ट की डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपने लैटिस को छोड़ देंगे। इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपने लैटिस को छोड़ेंगे तो बेसिकली मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी इसका कम हो जाता है। इक्वल नंबर में छोड़ते हैं इसलिए कंपाउंड कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर, समझ में आया आप लोग को? चलिए, चाहे तो इसको उतार सकते हैं आप लोग। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक के अंदर सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हम लोग बात करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट, सेकेंड टाइप का डिफेक्ट क्या आ गया, फ्रेंकल डिफेक्ट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं, इट इज जनरली फाउंड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। इट इज फाउंड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा ना उसके अंदर ये होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। अच्छा, और सेकेंड पॉइंट क्या है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, लार्ज डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल ZnS टाइप है ना, ZnS टाइप हो गया आपके पास, उसके बाद क्या हो गया AgBr, CdS, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रेंकल डिफेक्ट उसको बोलेंगे, फाउंड इन लो इट इज जनरली फाउंड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल 4 एंड 6, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जिंक और सल्फर के बीच में जो साइज का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है।
अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे शॉर्ट की डिफेक्ट्स, उसके अंदर भी बताए थे AGBR। देखो AGBR एक बार पूछ भी दिया था, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। AGBR जो अपने पास कंपाउंड है इसके अंदर दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी होगा और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी होगा और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट्स हम लोग समझ गए हैं इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग होंगे लैटिस के अंदर से। अब बात करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स इसको बोलते हैं। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट केटायन लीव्स इट्स एक्चुअल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट केटायन लीव्स इट्स एक्चुअल साइट। जो केटायन होगा वो अपना एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के सॉलिड के कहीं बीच में आके प्रेजेंट हो जाएगा, इंटरस्टीशियल साइट यानी कि जो लैटिस का जो कहीं भी जो लैटिस पॉइंट को छोड़ के जो भी पोजीशन हुआ ना उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टीशियल साइट। जैसे मान लो कि जेडन का हम लोग ऐसे ही कोई लैटिस बना लेते फिर से, ठीक है, यहाँ जेडन टू प्लस एच टू माइनस, ठीक है, ऐसा कोई हम लोग बना दिए। यहाँ पे देख लो ध्यान से, तीन अपने पास क्या है एनायंस और तीन अपने पास क्या है केटायंस। ये जेड एन एस का हम आपको स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ऐसा मान लो हम बना दिए लैटिस। तो होता क्या है कि जो जिंक होगा, जो केटायन होगा, वो केटायन अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ देता है, और इस एक्चुअल पोजीशन छोड़ने के बाद जो जो भी हमारे पास लैटिस होते हैं ना उसके कहीं बीच में आके ये प्रेजेंट हो जाएगा। अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ के कहाँ चला जाता है, जेडन टू प्लस इंटरस्टीशियल साइट। इसी साइट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टीशियल साइट, जो अपना लैटिस को छोड़ दे, अपना जहाँ पे उसका घर होता है। लैटिस का मतलब क्या होता है, लाइक जो भी आयंस होते हैं उसका घर, तो वो अपना घर को छोड़ के कहीं भी लैटिस के अंदर कहीं भी जाके प्रेजेंट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट। इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, अपना एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठ जाए। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मास तो लॉस हुआ नहीं, बेसिकली ये जो अपना पोजीशन था वो छोड़ के बीच में आ गया, तो मास लॉस हुआ क्या, नहीं, मास कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो मास लॉस नहीं हुआ तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास तो सेम है, मास क्या है, सेम, तो डेंसिटी भी क्या होगा, सेम। समझ में आया। तो एक पॉइंट हम लोग को यहाँ से क्लियर हुआ कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें डेंसिटी सेम होता है, क्योंकि मास का कोई लॉस नहीं हो रहा है, वो अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ के बीच में कहीं आ जाते हैं, इंटरस्टीशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना है, यहाँ पे कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ प्रोटॉन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ना जेडन जा रहा है कहीं और ना ही कहीं सल्फर जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंपाउंड होंगे ना जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट्स होगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होंगे, ये इलेक्ट्रिकली कैसे होंगे, न्यूट्रल्स होंगे। क्लियर, समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा बेसिकली ये होता क्यों, क्यों होगा डिफेक्ट, तो अगर आपको याद हो तो जेड एन एस टाइप का स्ट्रक्चर जब हम आपको बताए थे तो उसमें बोले थे कि जो सल्फर होता है वो लैटिस पॉइंट को एफसीसी लैटिस में होता है बेसिकली, यानी कि कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस के सेंटर पे होता है। और जो जिंक होता है ना, वो जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। जेड एन एस टाइप के स्ट्रक्चर में हम आपको बताए थे कि जो जिंक होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो नंबर ऑफ सल्फर एक लैटिस के अंदर ज्यादा है ना, जिंक
कहाँ प्रेजेंट होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। और सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है? एफसीसी में। तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना आएगा? एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना आता है? 4 आता है। अच्छा, और हम आपको जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि किसी का भी अगर जेड नंबर ऑफ फॉर्मूला है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2 जेड होते हैं। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? जेड होते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अपने पास वॉइड्स आना चाहिए, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 2 जेड। कितना आना चाहिए? 2 जेड। लेकिन जो जिंक होता है Zn2+, ये कहाँ प्रेजेंट है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो यानी कि 8 वॉइड्स होंगे हमारे पास, 8 वॉइड्स होंगे एक क्यूब के अंदर। उस 8 वॉइड में 4 वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है जिंक। कितने वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया? 4 वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया गया है। अच्छा, तो 4 वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया गया है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 4। यानी कि Zn कितना होगा? Zn2+ कितना होगा? 4 होगा। फॉर्मूला बनता था ZnS, है ना। जिंक का भी कितना एटम? 4 एटम। सल्फर का भी कितना एटम? 4 एटम एक लैटिस के अंदर। तो कॉमन हम लोग लेते थे 4, बनता था ZnS टाइप। याद आया आप लोग को, है ना, इस टाइप का हम लोग पढ़े थे। तो होता क्या है कि देखो, सल्फर ज़्यादा हो, सल्फर ज़्यादा है और एक लैटिस के अंदर, इफेक्टिवली सेम है। 4 जिंक है, 4 सल्फर है, इफेक्टिव एटम। लेकिन अगर तुम एक लैटिस का अगर हम बात करें तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और फेस कितने होते हैं? 6। और सभी फेस पे सल्फर है, सभी कॉर्नर पे सल्फर है, तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा किसके बीच में? केटायन और एनायन के बीच में। केटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप बोल सकते हो, है ना। कैसा फोर्स जनरेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता क्या है कि जो जिंक है ना, जिंक, वो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, अपना टेट्राहेड्रल वॉइड को छोड़ के कहीं बीच में आके प्रेजेंट हो जाता है। ये डिफेक्ट्स हो गया कि जिंक को होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर, लेकिन वो अपना एक्चुअल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का साइट छोड़ के इंटरस्टीशियल साइट के अंदर आके प्रेजेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स तो लगा रहा होगा ना, सल्फर जो है वो तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसके अंदर हम लोग पढ़े हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग होंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट्स का मतलब क्या होगा? जो भी अपना उसका एक्चुअल पोजीशन है, वो एक्चुअल पोजीशन छोड़ के इंटरस्टीशियल पोजीशन में आके बैठ जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर भी 2 टाइप का डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग NCERT को जरूर रीड करें, जो भी डिफेक्ट्स हम पढ़ाए हैं उसको NCERT में जरूर पढ़ें। एक ही टाइप का बात लिखा होगा, एक बार बस उसको रीड कर लेना, बहुत ही थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स।